हेलो दोस्तों, वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन फिजिक्स बाय सीपी तगाया। अब ये जो हमारा चैनल है इसका नाम जल्दी चेंज होने वाला है दोस्तों, बिकॉज यहाँ पर मैथ के लेक्चर्स भी अपलोड किए जा रहे हैं, साइंस के वीडियोस भी अपलोड किए जा रहे हैं और बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ के बायो के लेक्चर भी अपलोड किए जा रहे हैं दोस्तों। और अब आपको पता ही है मैथमेटिक्स का एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। आज हम मैथमेटिक्स के प्रायिकता का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो चैनल पर हैं दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखें, और नए हैं वो भी वीडियो को कंप्लीट देखें, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और आपके चार नंबर इन एग्जांपल्स के साथ में जो भी हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं उनके साथ कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये पूरा लेक्चर जो है आरबीएससी बोर्ड की क्लास टेंथ की बुक पर बेस्ड है, ठीक है। और हम बात करते हैं एक एग्जांपल की जिसमें दे रखा है दोस्तों दृष्टांत के उदाहरण जो आपके पेज नंबर 293 पर मिलेगा आरबीएससी की बुक में। तो एग्जांपल नंबर 2 है दोस्तों, दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, 7 आने की प्रायिकता, ठीक है। ये हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, या हम कहें प्रतिदर्श कौन कौन से हो सकते हैं उनकी बात करते हैं। तो प्रतिदर्श क्या हो सकता है कि एक सिक्के पर एक हो, दूसरे यानी एक पासे पर एक, दूसरे पासे पर भी एक हो, एक दो हो, एक तीन हो, एक चार, एक पांच, एक छह, ठीक है। और क्या हो सकता है कि पहले सिक्के पर दो हो, हमारा बोर्ड थोड़ा सा मुड़ गया दोस्तों, सोलह सीधा कर लेते, जस्ट अ मिनट, तकनीकी त्रुटि के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ, आइए वापस। दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो छः, दो और अठारह, कुछ ज्यादा आगे नहीं चले गए, पांच बोल गए, देखा सात कहाँ से आया, सात तो होता ही नहीं पास है। हमने जो पासा लिया है वो एक आइडियल पासा है जिसपे एक से लेकर छह संख्या ही है, दो छः, ऐसे ही तीन दो, तीन, अच्छा तीन एक ले लेते हैं, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच और तीन छह, ऐसे पहले पासे पर क्या हो, चार हो, दूसरे पासे पर एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो और छह, ऐसे पहले पासे पर क्या हो, पांच हो, दूसरे पर एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। और क्या हो सकता है दोस्तों, पहले पासे पर छह हो, दूसरे पर एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। ये दोस्तों दो पासों को उछालने पर संभावित सभी परिणाम है दोस्तों, इसे हम निशेष परिणामों की संख्या भी कह सकते हैं। तो अगर आप इनको काउंट करते हो तो दोस्तों ये कुल मिलाकर 36 परिणाम है। कितने परिणाम है, 36। सामने कि जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल मिला के जो परिणाम होते हैं वो होते हैं 36 परिणाम। और अब देखिए हमारा प्रश्न क्या है, ये तो प्रतिदर्श हो गए टोटल, इसके कंप्लीट प्रतिदर्श कितने हो गए दोस्तों, 36 हो गए। दो पासों को उछालने पर अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब वो कब हो सकता है दोस्तों, जब एक छह हो, दो पांच हो, देखिए योग कीजिए, एक छह 7, दो और पांच 7 होते हैं, तीन और चार भी 7 होते हैं, चार और तीन भी 7 होते हैं, पांच और दो भी 7 होते हैं, और छह और एक को जोड़ने पर भी हमें 7 प्राप्त होता है। इन परिणामों को गिन लीजिए दोस्तों, कितने होंगे, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है। तो दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 7 होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 हो जाएगी। और बात किया जाए दो सिक्कों को उछाला, दो पासों को उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या होती है दोस्तों 36, ठीक है। तो प्रायिकता हो जाएगी किसी भी घटना की, जिसको हमने पीई बोल दिया, ठीक है। इस घटना को हम पी बोल देते हैं कि दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता, इस घटना को हमने बोल दिया पीई। तो पीई का मान हो जाएगा बेटा 6 बटा 36, जब इसको कैंसिल आउट करोगे ये आपको प्राप्त होगा 1 बटा 6।
ठीक है, आप इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं, परंतु दोस्तों आपका एग्जाम जो आरबीएससी बोर्ड का पैटर्न है वो अंश बटा हर को भी एक्सेप्ट करता है। शर्त ये होनी चाहिए कि अंश और हर में से कुछ भी कटना नहीं चाहिए। अगर कैंसिल आउट नहीं होता है तो आपका 1/6 ही आंसर है। आप इसको और आगे सरल करने का प्रयास ना करें दोस्तों, क्योंकि फिर आपके त्रुटि होने की संभावना बढ़ जाएगी। और एक चीज विशेष है दोस्तों, प्रायिकता का कोई भी मात्रक नहीं होता है। जैसे 1 मीटर 2 मीटर, इनमें क्या है, मीटर क्या है, मात्रक है, परंतु यह प्रायिकता एक प्रकार का अनुपात है, यह घटनाओं की संख्या का अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। चलो ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो हमारा है वो एग्जाम्पल नंबर 8 है दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल संख्या 8 क्या है उसको समझने से पहले हम पहले पत्तों को समझ लेते हैं कि पत्ते कितने प्रकार के होते हैं। ये ताश से संबंधित प्रश्न आपसे एग्जाम में बहुत आयत पूछा जाता है। प्रश्न क्या होता है दोस्तों वो उस पर निर्भर करता है। पहले आपको यह ज्ञान जरूरी है कि ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 52 पत्ते होते हैं दोस्तों ताश की गड्डी में। एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होंगे, जिनमें 26 पत्ते लाल होते हैं और 26 पत्ते काले होते हैं। और जो लाल पत्ते हैं उनमें भी दो वर्ग होते हैं, ऐसे ही काले पत्तों में भी दो वर्ग होते हैं। तो लाल पत्तों के वर्गीकरण में ईंट के पत्ते पाए जाते हैं, लाल पान के पत्ते होते हैं। जो काले पत्ते होते हैं उनके सेट के अंदर एक चिड़िया होता है और एक सेट होता है दोस्तों हुकुम का। तो प्रत्येक सेट के 13 पत्ते होते हैं, मीन्स ईंट के 13 पत्ते होंगे, लाल पान के भी 13 पत्ते होंगे, चिड़िया के भी 13 पत्ते होंगे और हुकम के भी 13 पत्ते होंगे। अब बात करते हैं इनका प्रतीक चिन्ह कैसा होता है दोस्तों जब पत्ते को देखा जाता है। वैसे एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी जाती है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ईंट कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ईंट का होता है, ये लाल पान का होता है दोस्तों जो एक तरीके से हृदय दिल जैसा होता है दोस्तों। फिर होता है चिड़िया, चिड़िया एक तरीके से 3 गुब्बारों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मान सकते हो उसका दोस्तों, ये चिड़िया है। और फिर होता है हुकुम, हुकुम एक प्रकार का दिल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसा आपने पत्ता देखा दोस्तों पीपल का, कुछ उस टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये सबके प्रतीक चिन्ह है। अब प्रत्येक सेट में, या हम कहें ईंट के पत्ते कुल मिलाकर 13 होते हैं, लाल पान के भी पत्ते 13 होते हैं, चिड़िया के भी पत्ते 13 होते हैं और हुकुम के भी पत्ते 13 होते हैं। और 13 के 13 पत्ते अलग अलग होते हैं दोस्तों। वो क्या क्या होते हैं दोस्तों, इनमें एक पत्ता इक्का होगा जो चारों में पाया जाएगा, बादशाह भी चारों में होता है, बेगम भी चारों में होती है, गुलाम भी चारों में होता है। इसके अलावा जो पत्ते होते हैं, दहला जिसको कहते हैं हम 10 से लिखते हैं, दहला, नहला, अट्ठी, सत्ती, छगी, पंजी, चौगी, तिर्री और दुर्री। तो ये कुल मिलाकर इसके 13 पत्ते होते हैं। गिन लिए, काउंट कीजिए दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो सभी में पाए जाएंगे दोस्तों। मीन्स ईट में भी 13 पत्ते, लाल घन में भी 13 पत्ते, चिड़िया में भी 13 पत्ते और उपम में भी 13 पत्ते। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इससे संबंधित प्रश्न की। प्रश्न ये है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर जो 8 दे रखा है आपको, वो दे रखा है, अच्छी प्रकार से पेटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखना दोस्तों, प्रायिकता को हमने पी ही बोल दिया, मिटा देते हैं दोस्तों क्योंकि अब इस प्रश्न संबंधित कर रहे हैं। तो ये तो था दोस्तों आपके दो पासों को हमने साइड में कर दिया। अब बात करते हैं हमें क्या चाहिए, बादशाह। अब ध्यान से गिनिए दोस्तों कि बादशाह कितने हैं। ईट में भी एक बादशाह होगा, लाल पान में भी एक बादशाह होगा, चिड़िया में भी एक बादशाह होगा, हुक्म में भी एक बादशाह होगा। तो कुल मिला के बादशाह के 4 पत्ते हैं। तो अनुकूल परिणामक संख्या हो जाएगी 4 और कुल परिणामक संख्या कितनी होगी दोस्तों, भाई 52 पत्तों की गड्डी है, उसको अच्छी तरह फेटा है, तो 52 में से कोई से 52 पत्ते बाहर आ सकते हैं दोस्तों। तो कुल परिणाम संख्या है बेटा 52। जब आप इसको कैंसिल आउट करते हो तो ये हो जाएगा दोस्तों 2/26। अभी भी ये 2 से कट रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा ना 1/13। तो ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटने पर बादशाह का पत्ता आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 1/13। अब बात करते हैं हम प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों। ठीक है दोस्तों, आई होप सो दैट ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नीचे से कुछ पार्ट को इरेज कर देते हैं ताकि हम अगले क्वेश्चन को कुछ प्रश्नावली यानी प्रश्नमाला के प्रश्नों को हम डिस्कस कर सकें। प्रश्नमाला जो है आपकी 18.1। ठीक है दोस्तों, 18.1 को हम डिस्कस करेंगे। चलो इसको दिल, हृदय, फेफड़े जो भी गुर्दे हैं उनको मिटा देते हैं हम। गुब्बारे, ये पान दोस्तों, पान नहीं खाना चाहिए, सुपारी नहीं खानी चाहिए। चलो अब हम बात करेंगे प्रश्नमाला 18.1।
ठीक है। तो प्रश्न माला 18.1 के अगर टेक्निकल त्रुटि की हो जाती है बार बार हमारा बोर्ड हिल जाता है। जस्ट मिनट, देखिए दोस्तों क्या है, बाहर से थोड़ा फ्लैश का इशू है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा बोर्ड को दिल से रखा गया। चलो वैसे मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि बोलिए वीडियो कैसे बनाना है, आपको पढ़ना है कि आप कैसे इन न्यूमेरिकल्स को या इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम प्रश्न माला का प्रश्न संख्या पहले को डिस्कस करते हैं। हम इस लेक्चर में दोस्तों सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये हमने इसको क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद जो पहला प्रश्न है वो है एक पासिक उछाल लेपर, ध्यान समझना आपकी बुक आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न माला का पहला प्रश्न है एक पासे को फेंट नंबर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होती है। अब देखिए एक पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक होते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है ये, 4 से बड़ा अंक। अब देखिए 4 से बड़ा अंक कौन सा है, 5 और 6, ठीक है। तो 5 और 6 इनके संभावित परिणामी संख्या कितनी होगी दोस्तों, 2, और कुल परिणामी संख्या कितनी। देखिए दोस्तों सूत्र लिखना जरूरी है, मैं एक बार सूत्र बता चुका हूं आपको, हर बार वो सूत्र लिखना है, PE इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बड़ा घटना के कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। ये सूत्र लिखना अनिवार्य है दोस्तों, उसके बाद ही आप आगे वाले पॉइंट लिखेंगे। तो अनुकूल परिणाम संख्या हो जाएगी 1, 2 बटा कुल परिणाम संख्या हो जाएगी 6। जब आप उसको कैंसिल आउट करते हो देन यू विल गेट 1/3, ठीक है। तो पहले प्रश्न का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो होगा 1/3, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम इसको इरेज कर देते हैं। जस्ट ए मिनट, डस्टर ले आते हैं, कब तक हाथ से पूछते रहेंगे। डॉक्टर के साथ पूरा बोर्ड हिलता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब 2 सिक्कों को उछाला जाएगा तो उन्हें परिणाम क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, दोनों बार हेड हो या दोनों बार टेल हो, या एक बार हेड हो दूसरी बार टेल हो, एक सिक्के पर या एक बार टेल हो दूसरी बार हेड हो। तो कुल मिला के इसके परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। अब क्वेश्चन पूछा है कि 2 सिक्कों को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता, मीन्स दोनों बार हेड आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो देखिए दोनों बार हेड कब आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यानी पहली बार में भी हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, बाकी ऐसा कोई परिणाम नहीं है। यानी अनुकूल परिणाम संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी बटा कुल परिणाम संख्या हो जाएगी 4। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 1/4, ठीक है। इसको अगर आप डेसिमल में पॉइंट में लिखते हैं दोस्तों ये 0.25 हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, इरेज कर देता हूं दोस्तों। 1 से 17 तक प्राकृत संख्या, ध्यान सुनना दोस्तों, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। ध्यान दे दोस्तों 1 से 17, 1 से 17 के अंदर हमें कौन सी संख्या निकालनी दोस्तों, उन संख्याओं का परिणाम निकालना है जो कैसी हो, अभाज्य संख्याएं हो दोस्तों। कैसी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले दोस्तों या हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे परिणाम कितने हो सकते हैं, उनमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 1 से 17 काउंट कर लेते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं। 17 एक अभाज्य संख्या है दोस्तों, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जस्ट मिनट, मैं इसको फिर इरेज कर देता हूँ, बार बार इरेज करने की आवश्यकता पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास स्पेस वैसे खूब है, बट हम चाहते नहीं कि पत्तों को मिटाते, इतनी मेहनत करी दोस्तों क्यों मिटाते, है ना। चल क्या है दोस्तों, 17 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है दोस्तों जिनमें अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का पूर्णतः भाग ना जाए, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 17 हो गए दोस्तों, 16 नहीं है, 15 नहीं है दोस्तों, 15 में 3 का भाग जाता है, 5 का भाग भी जाता है, 15 से छोटे हैं 14 में भाग जाते हैं दोस्तों, 13 एक अभाज्य संख्या है दोस्तों। अब बात करते हैं 13 से छोटी 12, नहीं अभाज्य संख्या नहीं है, 11 एक अभाज्य संख्या है, 11 से छोटी संख्या देखी दोस्तों आपने 10 नहीं, 9 नहीं, 8 नहीं, 7 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। ध्यान रहे दोस्तों 2 एक अभाज्य संख्या है और यह एक सम संख्या भी है, क्योंकि इसमें अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए 2 भी एक अभाज्य संख्या है। बहुत सारे बच्चे इसमें त्रुटि कर जाते हैं दोस्तों। अब ये हमारी हो गई अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्याएं कुल हो गई दोस्तों सात। अब आप ये सोचेंगे सर आपने एक नहीं लिया, एक में एक का भाग भी जाता है स्वयं का भाग भी जाता है, यानी स्वयं वो एक ही है, ठीक है। एक ऐसी संख्या है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन नंबर थ्री, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहां पर कुल परिणामी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक दो तीन चार पांच छह सात। तो एक से सत्रह तक जो संभावित परिणाम होंगे कितने होंगे दोस्तों, जो अनुकूल परिणाम होंगे उनकी संख्या होगी सात, क्योंकि हम प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो पी इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या सात और कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी दोस्तों सत्रह। एक से लेकर सत्रह तक सत्रह अंक होंगे दोस्तों, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और दो सत्रह, ठीक है। तो सात बटा हुआ सत्रह हमारी प्रायिकता होगी अभाज्य संख्या प्राप्त होने, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर हम जितने भी न्यूमेरिकल्स है दोस्तों, जितने भी इसके प्रश्न है, उनको हम बोर्ड पर सॉल्व करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और दोस्तों एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लें आप, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।